बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के स्टार स्टार कनेक्शन के हवाले से, कि स्टार स्टार कनेक्ट बेसिकली थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर में किस तरीके से किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास थ्री फेज़ की वाइंडिंग्स हैं। आपको पता है थ्री फेज़ में बेसिकली तीन सेट्स होते हैं वाइंडिंग के, यानी कि तीन वाइंडिंग हुई हुई होती हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होती हैं। अब वो किस तरीके से होती हैं वो हम सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कॉइल है जिसमें फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। इसी तरीके से ये दूसरी वाइंडिंग का सेट है, ये प्राइमरी हो गया फॉर एग्जांपल, और ये मेरे पास हो गया सेकेंडरी। इसी तरीके से ये भी प्राइमरी और ये भी सेकेंडरी, ये भी प्राइमरी और ये भी सेकेंडरी हो गया। अब ये कनेक्ट किस तरीके से होते हैं और आपको किस तरीके से शो होते हैं इसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको कनेक्शन करने स्टार स्टार कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास तीन सेट हैं वाइंडिंग के। फॉर एग्जांपल एक ये वाइंडिंग का सेट था, एक ये वाइंडिंग का सेट था यानी कि पेयर, और एक ये वाइंडिंग का सेट था। अब मैंने क्या किया, इन तीन वाइंडिंग्स बाहर आती हैं। मैंने क्या किया, एक सिरे को यानी कि एक एंड को मैंने नाम दे दिया A1, दूसरे सिरे को नाम दे दिया B1 और तीसरे सिरे को नाम दे दिया C1। इसी तरीके से जो उसका दूसरा एंड था उसको मैंने नाम दे दिया A2, B2 एंड देन C2। अब करना क्या होता है स्टार में जो एक पॉइंट होता है तीनों कॉइल का, उनको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, A2, B2, C2 ये तीनों आपस में जो है बेसिकली शॉर्ट हो जाते हैं। अब बचा इनका दूसरा एंड पे क्या करेंगे आप, R, येलो, ब्लू, इन तीनों पे रेड येलो ब्लू फेज लगा देंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक्चुअल हमारे पास जो है, अब मुझे अगर कनेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास जो बाहर आउटपुट निकलेंगे जो ट्रांसफार्मर के बाहर निकलते हैं वो बेसिकली छः तार निकलेंगे, छः सिरे निकलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2, 4, 6, 6 और 6, 12 टोटल सिरे बाहर निकल रहे हैं। अब हमारे पास कितने, 6 हमें करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ अगर देखें तो ये 1, 2, 3 और 4, 5, यहाँ देख सकते हैं आप 5 और 6, तो ये 5 और 6 इतने सिरे निकल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको स्टार स्टार कनेक्ट करना है। हमारा सवाल क्या था, स्टार स्टार, तो अब हम स्टार स्टार कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो क्या था, A2, दूसरा सिरा B2 और तीसरा सिरा C2। इसको आपने क्या करना है, आपने इन तीनों को इस तरीके से शॉर्ट कर देना है, यानी कि हर कॉइल का, ये प्राइमरी साइड की हर कॉइल का एक सिरा आपने आपस में शॉर्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप लगा देंगे यहाँ पे रेड, यहाँ पे फेज लगा देंगे ब्लू या रेड येलो एंड ब्लू। इसी तरीके से अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमने A2, B2 एंड देन C2, इन तीनों को शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे आप लगा देंगे रेड, यहाँ पे आप लगा देंगे येलो इस सिरे पे, और इस सिरे पे आप लगा देंगे ब्लू। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये हुआ A2, B2, C2 आपने शॉर्ट कर दिए। तो A2, B2 एंड C2 ये आपने शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पे तीन फेज लगा देंगे तो ये रेड येलो। तो बेसिकली ये स्टार स्टार कनेक्शन होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। उम्मीद है थोड़ी बहुत नॉलेज में इजाफा होगा। थैंक यू।